नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ट्वीट आ गया है। दरअसल वो हर दिन ट्वीट करते हैं, इसी क्रम में आज का वो जिनका जो ट्वीट है वो बेरोजगारी पर है। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि बेरोजगारी इस देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन यह सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का वादा था, यहाँ तो नौकरियाँ छीनी जा रही हैं। बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है। डबल इंजन सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र बना दिया है। और इसके नीचे तेजस्वी यादव ने फोटो दिया है जिसमें कि सीएम नीतीश कुमार दिख रहे हैं। एक युवा की तस्वीर है ग्राफिक्स वाली, जिसमें कि युवा जो है वो सर पे हाथ रखे हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है, मेरा काम याद कीजिएगा नीतीश कुमार, याद हम करवा देते हैं। दरअसल नीतीश कुमार अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करते हैं कि उन्होंने 15 सालों में क्या क्या काम किया, आंकड़ों के जरिए विभाग दर विभाग वो गिनाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा काम आप याद कीजिएगा। ये उनका पंचलाइन रहा है कई भाषणों में, और इसी को कोट करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार में बिहार जो है वो बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। 46.6% बिहार की बेरोजगारी दर है। इसको लेकर तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ महीने पहले बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने यात्रा किया था और उसके बाद से ही लगातार तेजस्वी यादव ये कहते रहे हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए इसकी वो पहल करेंगे, साथ ही आर्थिक विकास भी किया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव अक्सर अपने भाषणों या ट्वीट के माध्यम से बोलते रहे हैं। और आज जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है 46.6% हो गया, इसको लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि अटैक किया गया है सीएम नीतीश कुमार पर डायरेक्ट। दरअसल सीएम नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहते हैं कि आप लोग मेरा काम याद कीजिएगा, और तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए उनके काम को याद दिलाते हुए कहा है कि बिहार में जो बेरोजगारी दर है वो 46.6% है। कुल मिलाकर कहें तो चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो बहुत ही गर्म हो चुका है। तेजस्वी यादव हर दिन इसी तरीके से ट्वीट करते हैं कि हर दिन किसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं। इसी क्रम में जो तेजस्वी यादव का आज का ट्वीट था वो बेरोजगारी पर केंद्रित था। चुनाव की सरगर्मियों के बीच फिलहाल तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, कल वो पटना लौटेंगे, और जिस तरीके का वो बेरोजगारी को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, ये तो तय है कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में वो हर मंच पे इस आंकड़े को वो गिनाएंगे और सीएम नीतीश कुमार को घेरेंगे और वे कहेंगे कि बिहार में बेरोजगारी दर जो है वो 46.6% हो गई है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।